क्या बताऊं अब आपको सुविधर साहब, एक कस्टमर का केस आया मेरे पास, कस्टमर हाथ ही नहीं लग रहा है, उसको उसको फोन ट्राई कर करके थक चुका हूं, लेकिन शायद उसने अपना नंबर यूज करना बंद कर दिया है, घर गया था तो घर छोड़ चुका है, ऑफिस गया था तो नौकरी छोड़ चुका है। बड़ोतरा साहब आप परेशान ना हो, मैं बात कर रहा हूं। ओ बात ही ऐसी है, परेशानी तो होगी ना, कस्टमर ने इतना सीरियस इल्जाम लगाया है और बैंक मुझसे कहता है एक्सप्लेन करो। मल्होत्रा साहब मैं हूं ना, हमारे पे भरोसा है ना, मैं प्रॉमिस करे हूं इसका हल ढूंढूं मैं, आप ना जाके आराम से बैठो, ठंडा ना पियो। चल आलू आ लिया, सूबेदार साहब को आपकी सूबेदारी करनी दो। सूबेदार साहब मैं सारी नौकरी छोड़ दूं, मैं भी आज ही अपने पेपर्स डाल दूंगी। बंद करो ये गुटरगो। अगर तुम लोगों ने अपना प्रोसेस ढंग से फॉलो किया है ना, तो कोई भी बाढ़ भी बांका ना कर सके है, और अगर तुम लोगों ने प्रोसेस ढंग से फॉलो ना किया ना, तो भाई भगवान श्री राम जी भी आ जाना तो बचाना सके हैं। ये छोरा है अरुण काफी परेशान है, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल नदर सलावत साहब, ये एक रसीद है, जरा देख के बताइए कि इसकी एंट्री हुई है कि नहीं। ये रहा, सुबेदार साहब इसने 15 तारीख को जमा कराया था। सलामत साहब, यानी कि पैसे बैंक में जमा किए गए है ना, पर अकाउंट में कस्टमर के नाम के सामने दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये अरुण ने जब कैश यहाँ पर दिया वो बैंक में गया और कैश डिपॉजिट भी हो गया। प्रॉब्लम हुई जब एंट्री के लिए ऑपरेशंस में मामला गया। अब ये देखिए वहां पर गलती से, ये देखिए अकाउंट नंबर है लास्ट डिजिट 0, ठीक है, एंट्री हुई 6 की, एक डिजिट की गलत एंट्री हुई है, इसलिए सारा मामला एस्केलेट हुआ है। अब ये पेमेंट इस वक्त एक सस्पेंस अकाउंट में है। लछोरे अब तो ऐश कर ऐश, मैं ना कह रहा था कि प्रोसेस फॉलो करेगा ना तो बाल भी बांकड़ा होगा। छोड़ तो मैंने ये बता कि कॉल सीएमएस पे अपडेट करी थी कि नहीं? हाँ मैं सारी कॉल्स अपडेट करती हूँ। तो मैंने सीएमएस कॉल दिखा, ये रहे। चले काम कर, ये टाइम और डेट ना एक कागज में नोट कर ले और हमारे साथ चल। कहाँ? तो चल तो सही हमारे साथ। भाई मारे को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुननी थी, ये मीनू जी है, एक कस्टमर ने एक बार कंप्लेंट किया है, डिटेल दो है ना। हम लोग वो रिकॉर्डिंग सुनना चाह रहे थे और आपकी परमिशन की जरूरत है। हाँ चलिए मैं भी सुनता हूँ ये कॉल। जॉन जी सर, कहाँ साइन कर? एबीएन एमरो बैंक की तरफ से आपका एक लोन चल रहा है बैंक? जी चल रहा है। तो सर मैं आपको पेमेंट रिमाइंडर के लिए कॉल कर रही हूँ। एक मिनट, कौन सा पेमेंट? सर आपके पिछले महीने का चेक बाउंस हो गया। मैंने 13 तारीख को आपके एक कलेक्टर को पेमेंट दिया है, आप पहले अपना रिकॉर्ड चेक किया करो कस्टमर को कॉल करने से पहले। साले सर आप कृपा करके तमीज से बात कीजिए। ओ तू मुझे तमीज सिखाएगी? तेरे माँ बहन की मैं ना लाइन में लगा कैसे लूंगा मैं, समझे? पूरे खानदान को मैं उधर रख के इज्जत की उतार दूंगा मैं तुम्हारी, साले तुम सबको बताऊंगा। और मीनू तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, रिलैक्स। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। नॉट एट ऑल, चलो हमारे साथ। कहां? अरे चल हमारे साथ, थारी शिक्षा वो क्या कहे अंग्रेजी में एजुकेशन पूरी ना हुई है थारी, चल चल हमारे साथ, अपने कस्टमर का फाइल ले ले, कस्टमर की डिटेल्स दो। जी स्किप कस्टमर है। जी जनाब सही कहा आपने, काफी दिनों से बंदा गायब है, नंबर भी चेंज कर लिया है और ऑफिस और घर भी छोड़ दिया, अब ये मारा छोरा सवेरे से ना परेशान हो गया है। क्या काम करता है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? जय ये देखो ये कहीं ये तो नहीं है तुम्हारा बंदा? अरे हाँ यही है,
मीन कंपनी, घर का एड्रेस और फोन नंबर सब नया है। खिलाड़ी भी तो नया ही है, इसीलिए तुम्हारे बैंक से फ्रॉड करके ना इतनी जल्दी अपनी डिटेल्स इंटरनेट में डाल दी। अरुण और मीनू, मैं तुम दोनों को सॉरी कहना चाहता हूँ। आई होप यू फॉरगिव मी। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। नो प्रॉब्लम सर, हम समझते हैं। नहीं सर जी, इसमें वो क्लाइंट है ना, एड्रियन गोम्स, वो स्किप कस्टमर निकला सर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, बदमाशी कर रहा था बैंक का पैसा खाकर। भाई हर गलती, चाहे वो बैंक की हो, कस्टमर की हो या मारी हो, भारी पड़ सके है, इसीलिए इन कामों के लिए प्रोसेस बनाए गए हैं। इन प्रोसेस को जानना, समझना और अपनाना है। निचोड़ तो यही है सर कि एजेंसी का सबसे पहला काम है कलेक्शन करना। गुड, लेकिन सिर्फ यही एक काम नहीं है हमारा, इसके अलावा कस्टमर के पैसों को सुरक्षित रूप से उसके अकाउंट में पहुंचाना, अपनी हर इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, रिपोजिशन में और लीगल प्रोसेस में बैंक की मदद करना और स्किप ट्रेसिंग करना भी हमारा ही काम। और इन सब कामों में कोई गलती ना हो, इसलिए इन सब कामों के लिए एक प्रोसेस बनाया गया है। अगर आपने उस प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो किया तो कोई आपका बाल